बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं इछरा में, और जो हमारी कैंपेन होती है हर साल माँ हम भी ईद मनाएंगे उसके लिए मैं खरीदारी करने आया हूँ, या कपड़ों की, बच्चों के लिए जूते चप्पल, और आपको दिखाने आया हूँ कि हमारे 400 500 600 रुपए से किसी के घर में रोशनी आ सकती है ईद के दिन, उसके बच्चे भी महरूमियों से दूर हो सकते हैं। हमारे लाहौर के भाई सब सारी अच्छा जी, मुझे ये बताएं बच्चों के कपड़े हैं आपके पास? सारे बच्चों के हैं, बच्चों के कपड़े आए। क्या रेट है अतिक? देखो दिखाओ उसका रेट, घुमाए रेट घुमाए, देखें ये देखें, मैं निकाल लूँ उसको, ये देखें भाई, ये देखें यार कितने प्यारे प्यारे जो सूट हैं सिर्फ 500 रुपये में। अब कोई भी बच्ची हम जिसको ये गिफ्ट करेंगे ईद पे, वो भी नए कपड़े पहनेगी तो कितना खुश होगी। मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि आप उसको मेकअप की किट भी दिला दें, मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि आप उसको भी सोने की बालियां हैं चांदी के हार दे दें। ईद का दिन है, आपके बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, बेचारी नए कपड़े पहन लेगी, खुश होगी, दुआएं देगी। ये जितने भी आपके पास स्टॉक है ना बच्चों का सारा देंगे, ठीक है? हम आपसे कोई डिस्काउंट नहीं ले रहे, ठीक है ना भाई? अगर खुद से आप कुछ कर देंगे तो ठीक है, आए इसकी आपको कैश पेमेंट भी करेंगे, सारा पैसा दिखता भी नहीं, ठीक है आप सारा दे दें भाई। ये देखें आगे चलें, ये देखें 450 रुपए आपके लिए, 450 क्या है, $3 $2, लेकिन किसी के घर में खुशियां आ जाएंगी। देखे किसी की, ये कितने साल की बच्ची का है भाई? 10-12 साल, देखें 12 साल की बच्ची का, ये दिखाना भाई, ये देखें 450 रुपए में, ये देखें कितने प्यारे प्यारे सूट हैं, देखना यार, ये सारे दे दो, सब दे दो, ये भी सब निकाल दो, सारे सूट निकाल दें आप, आए आए आए। सारी चप्पलें आपकी ले लें जितनी मर्जी लें सर, ये हमें पता कि आपने ये इन गरीबों के लिए आपने ये उनकी मदद करनी है, तो ये 900 में है आपके लिए, 750 हो जाएगा, मतलब 900 की है आप हमें 750 की। यार मुझे एक निकाल के दिखाओगे गुलाबी वाले? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, पिंक वाली देखें, क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। देखें माशाल्लाह सारी 750 के हिसाब से लगा रहे हो, देखें ये देखें, ये छोटा बड़ा साइज किसी गरीब की बच्ची पहनेगी ईद के दिन, कितनी दुआएं देगी। ये देखें आपसे कोई, आपने 10,000 रुपए की थोड़ी देनी है, आपके बच्चे थोड़ी हैं, आपने 5,000-8,000 की चप्पल दिलानी है, 5,000 में तो 20 बच्चों के जूते आ जाएंगे, इतने सस्ते हैं भाई, ले लें किसी अपने खानदान के गरीब तक पहुंचा दें, उसके घर में भी खुशियां आ जाएंगी, उसके घर में भी ईद के दिन सब खुश हो जाएंगे। आप ये सारी चप्पलें दे दें भाई, और बच्चे लड़कों की दिखाओ, ये निकालो, ये सारी सैंडलें दे दो, निकाल दो निकाल दो सारी निकाल दो, आप निकालें, पैसे क्या लगाओगे बताओ? हमने डिस्काउंट मांगा नहीं था, खुद ही इन्होंने बोला 500 की है, 400 रुपए इसमें कर देंगे, और इसमें भी इन्होंने 150 रुपए डिस्काउंट कर दिया, कितनी बड़ी बात है यार। मैं सब लाहौर में खड़ा हूँ इछरा में, सिर्फ आपको बताने आया हूँ, अगर हम कराची में 2 लाख सूट की अपील करते थे हर साल माह ईद मनाएंगे, इस बार 10 लाख भी कम है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में पहुंचाए, अपने मोहल्लों में, अपनी आबादियों में, लोग नहीं खरीद सकते कपड़े, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके 300-400-500 रुपए से अगर किसी के बच्चे नए जोड़े नई चप्पल पहन लेंगे, परवरदिगार आलम आपको कितना अजर देगा, इसका सिर्फ ये सोचें। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है? इनकी पेमेंट भी यहाँ पर हो रही है, लाखों में इनका बिल बना है। ये कितने के चश्मे, एक चश्मा कितने का है? एक चश्मा देखें बच्चे ईद के दिन बेचारे चश्मे पहन लेते हैं, इनकी भी दिहाड़ी लग जाएगी, सारे चश्मे आप दे दें, सारे चश्मे के पैसे दे रहे हैं आपको, हिसाब बनाओ, यहाँ पर भी पेमेंट हो रही है लाखों रुपए की, तो सामने जहाँ सारे कपड़े खरीदे उसकी पेमेंट भी आए। मैं एक घड़ियों की दुकान पे गया था, मैंने एक घड़ी वाले से बात की है, इससे पूछते हैं, आए अस्सलाम वालेकुम भाई, ये वाली घड़ियाँ भाई सारी कितने की हैं? 7,000 में मिल जाएगी, 7,000 में दो, सारी निकाल लो, दिखाना एक निकाल के दिखाओ, सारी खरीद ली ना, ये देखें भाई बच्चों की, और दिखाएं और दिखाएं, ये सारी घड़ियां जो है जहाँ जितनी लगी, अच्छा ये वाली कितने की है सारी? ये वाली मिल जाएगी सारी आपको 9,000 रुपए में, ये भी सारी दे दो। देखें यही तो खुशियां हैं बच्चों की बेचारों की, उनके पास ये गिफ्ट पहुंच जाएंगे, 100-100 रुपए की घड़ियां हैं, 150-150 रुपए की घड़ियां हैं, बस सिर्फ ये चीजें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपके 1,000 रुपए में कोई बच्चा नया जोड़ा, नया जूता, नई घड़ी, नया चश्मा लगा लेगा, बहुत है उसके लिए, बहुत है। उसके पास नहीं है वो 2.5-2.5 लाख वाले, 5-5 लाख वाले वीडियो गेम, उसके पास
नहीं है महंगी गाड़ियाँ, इन खुशियों को समझें, इन चीज़ों को समझें, और सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको कि जुड़ते चले जाएं। आपके 1500 रुपये में किसी का बच्चा नए जूड़े पहन लेगा यार। कुत्ते पड़े हैं मेरे पास, 500 के हिसाब से दे दूंगा। ये सारी निकाले, देखें ये सारी घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, उधर से भी निकाल ली, ये भी ले ली, थैले के थैले भर गए हैं यहाँ पर। देखें कितने प्यारे कुर्ते हैं और 500 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। आप भी सारे जितने हैं ना आपके पास, सब दे दें, सब दे दें 500 रुपए में। सिर्फ आपको दिखाने के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, अगर होलसेल चला जाता तो यही चीज 300-250 की मिलती, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि मोहल्ले में कहीं भी उतरे ले यार, सबकी ईद है भाई। सारे भरते हैं आप, सारे देखे आप, भरते रहो। देखे भाई इनके भी सारे खरीद लिए हैं सूट, कितने का बैग दे रहे हो बच्चियों के? 200। ये देखे कितने प्यारे बच्चियों के पर्स हैं, सिर्फ 200 रुपए के वाले दिखाओ। देखे ईद पे बच्चियां ये पर्स अपने कपड़ों के साथ लेके घूमेंगी, आपके बच्चों की तरह 2000-4000-20000 या वजीरों के बच्चे जो लेते हैं 10-10 लाख वाले पर्स नहीं है, 200 रुपए के ये सारे पर्स दे, सारे दे दो। ये सिर्फ आपको आइडियाज दे रहा हूँ, इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा ताकि हर पाकिस्तानी तक मैसेज आए किस तरह हम अपने लोगों के घरों में इस महंगाई इस मुसीबत में खुशियां पहुंचा सकते हैं। ईद साल में एक ही तो आती है,